हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रेखा अग्रवाल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जूस बनाकर दिखाऊंगी मैं आंवले का। चार तरह से जूस हम किस तरह से बना सकते हैं, और ये जूस हमारे को बहुत ही ज्यादा ये फायदा करता है। आधा चम्मच पाउडर या फिर एक आंवला डेली हम मॉर्निंग में अगर खाएं तो ये मेरी आंखों में जो चश्मा चढ़ा हुआ है इसको उतार देता है। डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करता है। गैस, कब्ज, पाचन क्रिया इसको ये ठीक करता है। अगर हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आंवला हमारे लीवर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनने देता है आंवला। और वात और गर्मी को भी ये इसीलिए शांत करता है। और अगर आपके कब्ज रहती है तो कब्ज से भी इससे छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके बाल सफेद होने लग गए हैं या रुखे व बेजान है तो बालों में इतनी ज्यादा चमक लाता है। इसका जूस निकाल कर हम दही में मिलाकर लगा सकते हैं, मेहंदी में मिलाकर लगा सकते हैं। ये लगाने से और पीने से दोनों तरह से फायदा करता है। ये देखिएगा इस कितने बड़े बड़े आंवले हैं। आंवले को हम जूस के रूप में, अचार के रूप में, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, या इसका सुखाकर, इसको पीस कर सुखाकर इसका हम आंवला पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम आंवले को अच्छी तरह से धो लेते हैं। उसके बाद ये देखिए मिक्सी के जार में हम काट लेंगे इसको। अब मैं इसका जूस बनाकर लाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब। तो गाइज, अब मैं इसको पीस कर ले आती हूँ। तो गाइज, ये देखिए आंवला जूस मैंने पीस लिया है, और इसको अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो गाइज, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश जूस है, इतना जूस निकला है। और इसमें मैंने 1-2 चम्मच पानी डाला था। अब इसमें हम पानी और नमक डालकर इसको पी सकते हैं। और ये डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी। तो ये हो गया हमारा जूस तैयार, मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जूस तैयार हो गया है, इसको हम पी सकते हैं। अगर इसको खाली पेट पियेंगे ये और ज़्यादा फायदा करेगा। जब मैं आपको दूसरे तरीके से जूस निकालना दिखाऊँगी, कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे इसको। ये देखिए गाइस, बिना मशीन के झटपट सेकंडों में जूस बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से आंवले का। अब इसको हम निचोड़ लेंगे। जूस मैं इसमें डाल दूंगी, और इस वाले जूस को हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सारा पल्प निकला है एक आंवले में। तो ये देखिए मैं इसको निचोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिएगा इस काफी सारा जूस निकलता है एक आंवले में। दो बूंद पानी डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिएगा इस, ये देखिए गाइस, बन गया मिनटों में तैयार आंवले का जूस। बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं आंवले के जूस के। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम पानी। इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। फ्रिज में रख लो और आप इसको डेली पी लो सुबह। और अगर आप चाहें तो ताज़ा ताज़ा बनाकर इसका डेली आंवले के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी जूस निकालने का। ये देखिए मिक्सी में आंवला पीसने के बाद इसमें हम पानी डाल लेंगे 1/2 गिलास। और इसको अब हम पानी में डालने के बाद, पल्प को पानी में डाल दिया है मैंने, ये पल्प हम कद्दूकस किया हुआ भी डाल सकते हैं और मिक्सी में पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो गाइस, इसको हम आधे घंटे के लिए इसी तरह से उठा के रख देंगे। और ये जो गुद्दे का सारा जो जूस है इसमें पानी में आ जाएगा।
और आधे घंटे बाद हम इसको छान लेंगे। तो गाइस ये देखिए आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, जूस को हम गिलास में छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो गाइस ये देखिए सारा जूस मैंने छान लिया है। और अब इस जूस में हम नमक नमक ही डालेंगे क्योंकि पानी तो हमने इसमें पहले ही डाल दिया था। तो गाइस ये देखिए कितना सारा जूस निकल गया है क्योंकि इसमें हमने पहले से ही पानी मिला दिया था। और ये एकदम प्योर जूस आंवले के, इसमें भी हम पानी मिलाकर ही पियेंगे। तो गाइस तीन तरीके से मैंने आपको आंवले का जूस निकालना बताया है, अब मैं चौथे तरीके से बताऊंगी। ये देखिए गाइस एक गिलास में पानी चढ़ा दूंगी, आंवलों को मैं धोकर अच्छी तरह से धोने के बाद पानी में डाल दूंगी। ये मैंने 8 आंवले डाल दिए हैं एक गिलास पानी में, और इसको मैं उबाल लूंगी। अब गैस को ऑन कर देंगे। तो गाइस इसको मैं अब 8 से 10 मिनट तक उबालूंगी और ये आंवले मैं काम में ले लूंगी, और इससे जूस कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम 8 से 10 मिनट तक इसको उबाल लेते हैं। तो देखिए गाइस आंवले उबल गए हैं और इनका जूस मैं निकाल लूंगी। अभी गैस को बंद कर देंगे। तो गाइस ये देखिए जब आंवला हमारा उबल जाता है तो आंवले का जो एक्सट्रैक्ट है वो सारा पानी में आ जाता है। अगर आप पानी को पी के देखोगे तो बिल्कुल आंवले के जैसे स्वाद वाला मिलेगा, बिल्कुल तीखा कड़वा। ये जो आंवला है इसमें बहुत कुछ ही कम बचता है, जो सारा कुछ निचोड़ है ये पानी में आ जाता है। तो ये भी एक प्रकार का जूस ही बन जाता है। आप कहोगे कि ये तो आंवला कच्चा नहीं है, इसका जूस कैसे बना? तो गाइस ये भी जूस ही होता है, ये 100% जूस ही है और ये जूस की तरह ही काम करेगा, जूस की तरह ही फायदे करेगा जब हम इसको पियेंगे। तो गाइस ये देखिए इसको मैंने स्टील के गिलास में डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, और आप इसका कलर देख सकते हैं, देखिए दूसरे जूस की तरह ही है। आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं, और इसके मैंने फायदे आपको बताए हैं क्या क्या फायदे ये करता है। तो गाइज मेरा जूस बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको घर पर ट्राई करना, और दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना। ओके गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज ये देखिए ये दोनों जूस मैं आपको पी कर दिखाऊंगी। मैं एक में कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूंगी। तो गाइज ये देखिए ये वाला जूस और इसका टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगी ये कैसा है। मैं डेली सुबह मॉर्निंग में आंवले का जूस पीती हूँ, कोई ना कोई जूस जरूर पीती हूँ, या तो एलोवेरा का जूस पीऊंगी या आंवले का या गिलोई का। ओके गाइज इसका टेस्ट देखते हैं कैसा बना है अभी। एकदम फ्रेश फ्रेश काफी अच्छा टेस्ट है और कड़वा नहीं है एकदम, की पिया ही नहीं जाएगा क्योंकि आंवले बिल्कुल फ्रेश हैं। आंवले फ्रेश रहेंगे तो जूस भी हमारा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। ओके गाइज इसको मैं पूरा पी लूंगी। तो गाइज ये देखिए पूरा मैंने फिनिश कर दिया है और ये जो जूस बच गए हैं एक तो इस गिलास में है और एक ये है। तो गाइज इनको मैं अभी फ्रिज में रखूंगी, उठा के 2 से 3 दिन तक पीऊंगी ये सारा जूस मैं। ओके गाइज मेरा वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जूस बनाकर देखना घर पर कितनी जल्दी और फटाफट बन जाता है। ओके गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।